मार्वल फैंस का इतने सालों का इंतजार फाइनली खत्म हुआ। डेडपूल एंड वुल्वरीन फाइनली थिएटर्स में आ चुकी है एंड इसका प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड आवर फेवरेट मार्वल हीरो डेडपूल हु इज काइंड ऑफ डाउन इन द डम्स आफ्टर द इवेंट्स ऑफ द लास्ट मूवी एंड कुछ चीजें होती हैं जिससे उसे टीवी वाले पकड़ के ले जाते हैं एंड ही रिक्रूट्स वुल्वरीन। अब वो रिक्रूट क्यों करता है, व्हाई डिड टीवी कैप्चर डेडपूल एंड क्या डेडपूल सही में मार्वल जीसस है, उसके लिए यू नीड टू वॉच द मूवी इन थिएटर्स बिकॉज दिस इज अ स्पॉइलर फ्री रिव्यू। पॉजिटिव्स की बात करें तो आई एम श्योर रायन रेनल्ड्स से बेटर कोई डेडपूल का रोल प्ले नहीं कर सकता एंड इट शोज इन एवरी पार्ट ऑफ दिस फ्रेंचाइज। द ह्यूमर ऑलवेज लैंड्स एंड इसकी मेटा राइटिंग मेक्स यू फील लाइक आप डेडपूल की कॉमिक के अंदर ही हो। बहुत डीप कट जोक्स हैं इसमें एंड अगर आप पॉप कल्चर की पल्स पर हाथ रख के बैठे हो तो आपको और ज्यादा फन आएगा। ह्यू जैकमैन हैजंट मिस्ड अ बीट सिंस लोगन और मेरे अंदर का 17 साल का बच्चा जो हुक करा है उसको वापस स्क्रीन पर देख के दैट टू विद द कॉमिक एक्यूरेट सूट मजा आ गया। ही वॉज बॉर्न टू बी वुल्वरीन एंड साइड नोट यस ही पुल्स ऑफ द मास्क वेरी स्मूथली। Emma Corrin as Cassandra Nova was menacing and you could feel the threat whenever she was on screen and she plays the part of a formidable villain quite well. The action sequences were also choreographed immaculately, although I would still prefer 1 and 2 ke action sequences, but Wolverine or Deadpool ka face-off is a dream come true for every comic fan and maybe that's why I'm biased but it was worth it. मार्वल मूवीज को ब्लडी होते हुए देखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है एंड आई थिंक दे रियली शुड कीप दिस गोइंग इन द डेडेविल सीरीज एज वेल। कैमियोज भी भर भर के देखने को मिलेंगे आपको इस मूवी में, सम वेरी सरप्राइजिंग, सम थ्रोइंग बैक टू द गुड ओल्ड डेज जो हमेशा से इस मूवी की अपील थी। पर अब नेगेटिव्स की बात करें तो आई थिंक द प्लॉट लाइन वॉज वीक टू से द लीस्ट। स्टेक्स दिखाने की कोशिश जरूर करी गई है ऑन अ पर्सनल लेवल फॉर द कैरेक्टर्स बट वो उतने अच्छे से कनेक्ट कर नहीं पाई ऑडियंस के साथ एंड दैट्स व्हाई यू आर मोर इन्वेस्टेड इन सीइंग द बोथ ऑफ देम इंटरैक्ट एंड द कैमियोज देन द एक्चुअल प्लॉट एंड आफ्टर द मूवी एंडेड आई वाज लेफ्ट विद दिस इनकम्प्लीट सी फीलिंग जैसे देयर कुड हैव बीन वे मोर इन दिस। जितनी हाइप थी ये मूवी उस वजह से आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ जाती है कि नो मैटर व्हाट्स हैपनिंग ऑन स्क्रीन यू विल ऑलवेज वॉन्ट मोर। But still, all in all, I would rate it 4 out of 5 and without a doubt, ye theater experience ke liye hi bani hai. All the Marvel fans out there, go and buy the tickets right now and jinhone dekh li hai, do let us know how did you like it in the comments below. We also reviewed Kalki 2898 AD and Munjia, you can check them out right here. And for more such videos, smash that subscribe button and we'll see you next time.